हे व्हाट इज अप पीपल, नमस्ते सर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सात अमेजिंग और हिडन गूगल क्रोम ब्राउजर के फीचर्स और ट्रिक्स आपके एंड्रॉइड फोन के लिए जो शायद आपको ना पता हो। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर से, जो कि है कि आप कैसे आपके क्रोम ब्राउजर में जो एड्रेस बार है जो कि ऊपर होती है, आप कैसे उसको नीचे ला सकते हैं। क्योंकि जो एड्रेस बार है ऊपर है, तो आपका फ़ोन मान लो बड़ा है, 5.5 इंच का है, 6 इंच का है, तो ऊपर तक अपने हाथ को लेके जाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आप कैसे उस एड्रेस बार को नीचे ला सकते हैं ताकि आप उसे इजीली यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए जाना आपको अपने एड्रेस बार में, टाइप करना है Chrome:// flags। ये आपको दिखाई भी दे रहा है आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, तो ये आपको टाइप करना है, देन आपको गो करना है। और यहां आपको एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डेवलपर्स के लिए, तो आपको इसके अंदर ढूंढना है, आपको ऊपर तीन डॉट्स वहां क्लिक करना है, देन आपको जाना है फाइंड इन पेज में, और यहां पे आपको सर्च करना है क्रोम होम, और फिर आपको ये जो फीचर है, ये जो ऑप्शन है, वो दिखाई दे जाएगा एक येलो लाइन से। फिर आपको बाय डिफॉल्ट जो है ये डिसेबल है, आपको इसको अनेबल करना है, और जैसे ही आप अनेबल करते हैं, अब आपको जो क्रोम ब्राउजर है उसको रीलॉन्च करना है, और जैसे ही अगली बार आप रीलॉन्च करेंगे, अब जो एड्रेस बार है वो आपको नीचे दिखाई देगी और आप उसे वहां से यूज कर पाएंगे, वो भी इजीली। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये कि आप कैसे एक टाइम पे एक साथ दो टैब्स को यूज कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। बट ये जो ट्रिक है वो काम करेगी सिर्फ उन्हीं फोन्स में जिनमें अभी एंड्रॉइड 7.0 नोगट या फिर उससे ऊपर का चल रहा है। तो करना क्या, आपको पहले क्रोम को ओपन करना है, फिर आपको वो दो टैब्स ओपन करना है, जो दो टैब्स आपको यूज करना है एक साथ, वो आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, आपको बेसिकली टच करना है, आपका वो मेन्यू की आपको प्रेस करनी है, जो रिसेंट टाइप का बटन होता है आपके फोन में, उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, होल्ड करना है क्रोम ऐप को, और आपको उसको ऊपर लेके जाना है, और फिर आपको उसको ऐड करना है मल्टी विंडो में, और मल्टी विंडो की जो स्लाइड है उसमें आपको ऐड करना है उसको। उसके बाद आपको जो क्रोम ब्राउजर में तीन डॉट्स होते हैं ऊपर की साइड में, वहां जाना है, और फिर आपको वहां पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, वो होगा मूव टू अदर विंडो का, उसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपके फोन की एक ही स्क्रीन पे दो टैब्स एक साथ आप यूज कर पाओगे अपने एंड्रॉइड फोन में। और नेक्स्ट जो है वो एक्चुअली एक जेस्चर है, और उसका यूज करके आप अपने क्रोम ब्राउजर में जो टैब्स हैं उनमें आप जल्दी जल्दी जंप कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जो एड्रेस बार होती है जो कि ऊपर होती है या फिर नीचे भी हो सकती है, आप तो आपने वीडियो देख लिया है, तो आपको उस एड्रेस बार के ऊपर से स्लाइड करना है लेफ्ट या फिर राइट, और जो टैब्स हैं उनमें आप फिर जल्दी जल्दी जंप कर पाओगे, और जल्दी जल्दी जो टैब्स हैं उनको आप स्वाइप कर पाओगे। सिंपली एड्रेस बार के ऊपर से आपको स्लाइड करना है लेफ्ट या फिर राइट, जैसे आप करते हो अपने फोन की गैलरी में जब आप फोटोज देखते हो। और नेक्स्ट ट्रिक जो है उसका यूज करके आप जो क्रोम ब्राउजर है उसको एज अ म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हो। जो वीडियोस हैं उनको आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। मान लो यूट्यूब है, आप जाओगे youtube.com पे क्रोम ब्राउजर से, देन आप कोई भी वीडियो सर्च करोगे या फिर कोई भी गाना सर्च करोगे, उसके बाद आपको सॉन्ग को प्ले करना है यूट्यूब पे, देन आपको ऊपर से तीन डॉट्स पे जाना है, और आपको डेस्कटॉप साइट पे रिक्वेस्ट करना है, और फिर जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है, जैसे ही वीडियो प्ले होता है बेसिकली, आपको जो होम बटन है आपके फोन का उसको प्रेस करना है, और फिर आप नोटिफिकेशन बार में ऊपर देखोगे कि जो वो सॉन्ग है, जो है वो अभी भी प्ले हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको YouTube पे कोई सॉन्ग है उसको सुनना है, उसको देखना नहीं है, उसको सिर्फ सुनना है, तो वो आप कर सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। और नेक्स्ट ट्रिक का यूज करके आपकी जो फेवरेट वेबसाइट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। बेसिकली कैसे, आप जो पेजेस हैं आपके फेवरेट वेबसाइट्स हैं उनको आप ऑफलाइन कर सकते हो। तो सिंपली करना क्या, आपको आपको उस एड्रेस को ओपन करना है जो भी आपकी साइट है, आपका इंटरनेट कनेक्शन को बंद करके आपको वो करना है, और उसके बाद लिखा है यू आर ऑफलाइन। ऑब्वियसली नीचे एक ब्लू बटन होगा डाउनलोड दिस पेज लेटर का, उसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन आओगे, जो पेज है वो वाला, वो आपका ऑफलाइन हो जाएगा, और उसको आप उसके बाद यूज कर पाओगे। आपके फोन में अगर नेट नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो भी आप उस पेज को एक्सेस कर पाओगे, और वो आप चेक कर सकते हो अपने डाउनलोड्स के सेक्शन में, जैसे आप देख ही पा रहे हो इस वीडियो में। और नेक्स्ट ट्रिक का यूज करके आपके क्रोम ब्राउजर में आपकी जो ब्राउजिंग स्पीड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ मैं कुछ भी फेंक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच बात है ये। आप एक ब्रॉडली नाम की एनकोडिंग को यूज कर सकते हो क्रोम के डेवलपर ऑप्शंस में जाके। कैसे जाना है आपको, बहुत सिंपल है, आपको एड्रेस बार में अगेन टाइप करना है Chrome:// flags, और उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे फाइंड इन पेज पे जाके brotli ब्रॉडली, और आपको इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, आपको इसको अनेबल करना है। उसके बाद आपको अपने ब्राउजर को रीलॉन्च करना है, और उसके बाद इमीडिएटली आप थोड़ा बहुत नोटिस करोगे कि आपकी जो ब्राउजिंग स्पीड है वेबसाइट्स की, वो थोड़ी तेज हो चुकी है।
और नेक्स्ट जो है वो मैंने पहले बताया बहुत से वीडियोस में अपनी, वो ये है कि आप कैसे अपने क्रोम ब्राउजर से आपके फोन की जो इंटरनल स्टोरेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सिंपल, आपको ऊपर एड्रेस बार में टाइप करना है फाइल कॉलन स्लैश 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 स्लैश, चार बार स्लैश, फिर एसडी कार्ड, आपको दिखाई भी दे रहा है आपके फोन की स्क्रीन पे, आपको ये टाइप करना है, फिर आपको गो करना है और उसके बाद आपके सामने आ जाएगी आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज, जो कि आप यहां से देख सकते हो, खोल सकते हो, वीडियोज ऑडियोज या फिर कोई भी फाइल हो उसको आप प्ले भी कर सकते हो विद इन द ब्राउजर, आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। और आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो किसी भी आपके फ्रेंड के फोन को हैक करने के लिए भी। कैसे, उसके लिए मैंने बताया एक वीडियो बहुत ही पहले, तो वो आप देख सकते हो ऊपर इस वाले व्हाइट कार्ड पे क्लिक करके, बिल्कुल यही वाला। सो या गाइस, इसी साथ अमेजिंग हिडन और सीक्रेट क्रोम ब्राउजर की टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको डेफिनेटली आज के आज अपने एंड्रॉइड फोन में ट्राई करनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने एंड्रॉइड वाले फ्रेंड्स के साथ, एंड आप मेरा पीछा कर सकते हो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को कुछ और अमेजिंग वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।